वाट्सअप पीपल हेयर एम बैक विद अ न्यू वीडियो गाइज तो गाइज़ वीडियो आ रही है थोड़ी लेट एक्चुअली मैं बिज़ी चल रहा हूँ किसी शेड्यूल की वजह से तो सॉरी फॉर दिस बिकॉज सन्डे को पता है आपको छुट्टी होती है तो ऑफ़ होता है सारी जगह तो बस उसी करके थोड़ा सा काम जो पेंडिंग था वो उसको कम्प्लीट कर रहा था मैं तो इसी कारण वीडियो नहीं बना पाया बिल्कुल बस अभी शूट कर रहा हूँ और अभी ही अपलोड करूँगा विदाउट एडिटिंग सो so, आज मैं कुछ ज़्यादा बेसिकली आप हमारे टाइटल से समझ गए होंगे कि आज वीडियो किसके ऊपर है तो बात करूँगा मैं आज स्पेशली मैच क्या लेके आया तो एक सरप्राइज है आपके लिए गाड़ी में तो बात करते हैं चलो दिखाता हूँ मैं तो गाइज़ मेरे पास मैंने कुछ गाड़ी में एक एड ऑन किया नई थिंक सो तो गाइज़ ये ट्विन टोन के हालाँकि हॉर्न्स हैं तो ये गाड़ी मैंने मैंने चेंज करवाए हैं ठीक है आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर मेरे पुराने हॉर्न लगे हुए हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ मेरे वाले कौन से हैं ये जो सबसे नीचे है ना ये वाले रेड के साथ सेंटर में ब्लैक वाले सो so ये वाले मेरे हैं ब्लैक कलर वाले सो so बेसिकली आप पूछेंगे कि मेरे को कितने के पड़े हैं और कितने का क्या हिसाब किताब है इसका तो आप एम आर बीज की चेक कर सकते हैं ये मेरे को प्रिंट रेट पे मिले हैं सिक्स थ्री एट है तो मेरे को सिक्स हंड्रेड के ही पड़े हैं बट अब मुझे पता नहीं उन्होंने गारंटी गारंटी भी दी है इसके साथ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको रेजोल्यूशन देंगे वन ईयर के लिए सो so, आप देख सकते हैं ओरिजिनल है कोई इसके साथ कोडिंग वगैरह सब कुछ आपको ये यहाँ पर आपको दी हुई है बिल्कुल अच्छे से तो अनबॉक्सिंग करते हैं हॉर्न तो वैसे इंस्टॉल हो चुके हैं मैंने किसी से इंस्टॉल करवाए थे ठीक है ये मेरे ओल्ड वन वाले हैं पुराने हैं ये थोड़े इसकी ट्यूनिंग वगैरह होगी अगर आप इस पर कहोगे वीडियो ट्यूनिंग कैसे करते हैं हॉर्न्स की तो मैं वो भी आपको बता दूंगा ठीक है ये दो मेरे पेयर लगे हुए थे काफ़ी बड़े बड़े थे और ये थोड़े सस्ते वाले थे और नकली टाइप थे वो मैंने ऐसे ही लगवा रखे थे टाइम पास के लिए तो अब मैंने ओरिजिनल हैला के लगवाए हैं ठीक है एंड ठीक है कोई साउंड वगैरह सब अच्छी है और यहाँ पर आप इसका बार कोड चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इसकी हैला का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है और ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशनस वगैरह हैं ये कुछ ऐसा बॉक्स है तो बात करेंगे मेनली हॉर्न हमारे कैसे हैं तो मैं आपको एक बार इस टाइम देख सकते हैं रात हो रही है तो मैं आपको चेक नहीं करा सकता तो आपको मैं एक बार जरूर हॉर्न का लुक दिखा देता हूँ ठीक है तो चलो दिखाते हैं सो so गाइज ये था मेरा कुछ ओवरव्यू आपके मैं आपको सिंगल हॉर्न दिखा पाया इस टाइम बिकॉज यार नाइट काफी ज्यादा होगी आप टाइम देख सकते हैं आपको टाइम चेक करा देता हूँ तो दूसरे फ़ोन में टाइम क्या हो गया टाइम हो चुका है टेन फोर्टी फाइव हो चुके हैं यार काफ़ी लेट हो गया और गर्मी इतनी है भाई बुरा हाल हो रहा है ठीक है तो मैं आपको साउंड एक बार चेक करा देता हूँ ठीक है साउंड आपने सुन ली यही है साउंड एंड सिंपल थी कोई वो लाउड है काफ़ी दिक्कत वाली बात नहीं है आप ये इंस्टॉल कर लो अपने सिंपल पीपी -पी वाले से तो बहुत अच्छा कनेक्शन है इसमें वायरिंग बिल्कुल सिंपल है इसमें कोई आपको कनेक्शन मैंने अपने पिछले हॉर्न्स में मैंने रिले लगा रखी थी बट इसमें आपको रिले की नीड नहीं है रिले से आपको पता क्या करना है एक हॉर्न जो आपका इस साइड लगा है उसके जैसे मैं आपको सिंपल वायरिंग समझा देता हूँ ये जैसे मेरे पास हॉर्न है ठीक है और एक ये हॉर्न है सो मैं आपको एक बार यहाँ पर आपको रख के दिखा देता हूँ किसकी वायरिंग कैसे होगी सिंपल एक आपकी वायर जाएगी यहाँ पर ठीक है जो आपकी एक मेन हॉर्न की वायर होती है ना जो आपके सिंगल हॉर्न की वायर लगी हुई है पहले से कंपनी वाली वो आपकी एक इस पॉइंट पे लग जाएगी किसी पे भी आप लगा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट पे कोई आपको इशू नहीं है मान लीजिए मैंने इस पे लगा लिया ठीक है एक सेकंड में फोकस कर लेता हूँ पहले फोकस नहीं हो रहा कैमरा इस वाले पॉइंट पे लगा लिए उसके बाद यहाँ से ये वाला मेरे को देना है यहाँ पर अर्थ ये वाला पॉइंट देना अर्थ पे और यहाँ से तो हमें मिलगी यह वायर और यहाँ से ही यहीं से लेनी है हमें सेकेंड वायर यहाँ से जाएगी वायर यहाँ पर ठीक है एक इसमें हमें कनेक्शन देना है यहाँ से यहाँ और ये यह वाली अर्थ और यहाँ पर हमें लगानी है वो जो हॉर्न की हॉर्न की मेन सप्लाई वाली वायर आ रही है कंपनी वाली वायर ठीक है यहाँ से हमें एक सेकेंड वायर सेकेंडरी वायर यहाँ जाएगी उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना यार इसको भी हमें अर्थ करना है ग्राउंड कर देना है ठीक है बस ये सिंपल वायरिंग है कुछ नहीं है क्योंकि बिकॉज आपकी इसके अंदर रिले ऑलरेडी और, इंस्टॉल्ड है मैं आपको रिले भी चेक करा देता हूँ तो, जो मैंने पहले लगा रहा सो फोकस 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 सो ये मेरे पास कैमरा फोकस नहीं ले रहा यार सो so, ये मेरे पास रूट्स की रिले थी जो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी थी अब मेरे पास कोई नीड नहीं है रूट्स की रिले की जो मैंने कंपनी में आप अपना जो बोनट है ना यार उसको खोल लोगे ना उसके अंदर आपको एक फ्यूज़ बॉक्स दिखेगा बहुत बड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल उसको खोलना और आपको इतनी बड़ी ही रीले दिखेगी वो आपकी हॉर्न की रीले है बस इससे सिंपल कनेक्शन था कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप ये ट्राई करना हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सो so, बस यही था आज की वीडियो में सो so, मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन बाय टेक केयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट जैनअली आपको बैक डोर पर मिलेगी आपका जो डोर है वो पैनल कैसे ओपन करना है पिछले वाले डोर का ठीक है तो बस यही था आज की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में सो तिल दन बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना